7.6 एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन में डाउट है, वो एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो ये तो बाई पार्ट से होगा, दो का प्रोडक्ट है एक्स से साइन इनवर्स एक्स से। पर हम लोग जानते हैं कि इसको याद रखने किसको फर्स्ट फंक्शन मांगे हैं, किसको सेकेंड, आईलेट से यूज हो जाती है, इनवर्स है, लॉगरिदम है, एल्जेब्रिक है, ट्रिकोनमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन है और इनवर्स फंक्शन भी है, तो इसको हम लोग फर्स्ट मानेंगे, इसको हम लोग सेकेंड मानेंगे। पहली बात ये होता है बाई पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है देव यहां तक क्लियर हुआ? फर्स्ट फंक्शन, अच्छा, ठीक है, तो के तो फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन, है ना? इसको ब्रैकेट में जब रखेंगे फिर इसको लिख देंगे। तो ये तो तुम्हें पता है साइन इनवर्स एक्स हुआ और इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू। इसका जो है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, सॉरी डिफरेंशिएशन, हाँ वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है नहीं? और इसका कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, ठीक है ना? और होल का, अच्छा कोई बात नहीं, वो तो थोड़ा अभी सबको समझा के करना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, इसके बाद क्या होगा हाफ जो है उसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है बेटा हाफ को बाहर कर लेते हैं, तो माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये बात क्लियर हुआ? तो ये वाला को आई बोल देते हैं, आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस हाफ आई वन, ठीक है ना? जहां पे आई वन इक्वल्स टू क्या हुआ एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये बात क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है बेटा? अच्छा देव क्लियर हुआ, गुड। तो इसके बाद आई वन इधर लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तुम लोग को मालूम होगा बेटा ये जो वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो पुट एक्स इक्वल्स टू साइन टी, एक्स इक्वल टू क्या लिया साइन टी, तो डीएक्स इक्वल्स टू क्या होगा, डीएक्स इक्वल टू क्या होगा कॉस टी डी टी, डीएक्स इक्वल्स टू, तो ये जो इंटीग्रेशन वाला जो है आई वन के वैल्यूज जो है, ये जो साइन स्क्वायर टी वन माइनस साइन स्क्वायर टी रूट और डीएक्स इक्वल्स टू कॉस टी डी टी, यहां तक क्लियर बेटा?
यहां तक क्लियर, ओके गुड। तो ये वाला कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर टी, ये हो जाएंगे कॉस टी, ये हो गया कॉस टी डी टी, कैंसिल हुआ। तो बचा हमारा साइन स्क्वायर टी डी टी, तो साइन स्क्वायर टी मतलब क्या होता है, वन माइनस कॉस टू टी अपॉन टू डी टी हो गया, हाफ हो गया। दैट इज डी टी माइनस हाफ कॉस टू टी डी टी, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो बेटा, इज इट क्लियर? इसको लिखेंगे हाफ टी माइनस हाफ कॉस टू टी, बेटा कॉस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टू टी होगी, हाँ कॉस का साइन होता है, टू टी अपॉन दैट इज टू, साइन कॉस टू टी क्या होगा, साइन टू टी अपॉन टू, ठीक है बेटा। और इसको थोड़ा सा एक सी वन लिख देता हूं, है? तो टी बाई टू माइनस साइन टू टी अपॉन फोर प्लस सी वन, इसको और थोड़ा लिख देता हूं। टी को क्या माना था बेटा, जो टी जो है ना, तो टी इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, तो हाफ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स टू टी था, तो उस जगह पे बेटा जो हम लोग उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो आसान हो जाएगा। ये जो है ना साइन टू टी है ना, इसको थोड़ा सा आसान तरीका से लिखें तो हम लोग को बेटर रहेगा। जो इसमें साइन टू टी को लिख देता है टू साइन थीटा टू साइन टी कॉस टी, नीचे फोर प्लस सी वन, फिर डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें, तो हाफ साइन इनवर्स एक्स माइनस टू टू कट गया, तो साइन टी का वैल्यूज क्या है, एक्स है, और कॉस टी का वैल्यू क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन, बेटा बात क्लियर हुआ? ये देखो बेटा, एक मिनट थोड़ा पेज को पलट लेते, ये जो साइन टी को टी माना था तो कॉस टी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने यहां पे ये लिख दिया एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर टू, बिकॉज ये वाला टू और एक फोर कट के टू हो गया, साइन टी को एक्स बना तो कॉस टी इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी वन, ये हो गया हम लोग का आई वन के वैल्यूज। देव क्लियर, शायद प्रिया भी देख रहे हो, प्रिया क्लियर है यहां तक, प्रिया यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है, इसके बाद बेटा आई जो था इतनी थी, इसमें एक हाफ था, ये वाला आई वन था, तो ये वाला केस है, यहां पे पुट करेंगे हम लोग, तो इस जगह पे हम लोग देख रहे हैं आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ आई वन, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स हाफ आई वन, साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी वन,
और इस जगह पे भी एक मिनट मेरे जस्ट आ रहा। हाँ बेटा, इसमें थोड़ा सा जो है ना, सेकेंड टाइम जो है इसको C2 लिख दिया, और यहाँ पे पहले वाला जो आया था C1 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जाएगा दैट इज इसका C1, इसका हो गया C2। तो x² / 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 1 - x² / 4 प्लस दैट इज C1, हाफ C1 माइनस हाफ C1 प्लस C2। x² / 2 साइन इनवर्स एक्स 1/4 साइन इनवर्स एक्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 - x² / 4 प्लस सी। बेटा आंसर चेक करना, आंसर मैच हो गया बेटा, एनसीईआरटी से आंसर मैच हो गया। क्या कहूँ ले बेटा, एक बार आंसर सेंड कर दे बेटा, मेरे पास बुक नहीं है एक्चुअली, उस बुक का पीछे आंसर नहीं, एक बार सेंड कर देगा बेटा, किसी में भी सेंड कर दे उसके आंसर। उसको मेरे को रखना चाहिए, मेरा बुक का वाला पार्ट नहीं। अच्छा आ गया बेटा, आ गया आ गया, चेक कर लेता हूँ, जैसे है उसी हिसाब से आंसर करना चाहिए। किसी ने सेंड किया होगा। अच्छा एक बार चेक करता हूँ बेटा, तुम लोग सेंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर में ये क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर था 7। सेवन हाफ 2x² देखता हूँ इसमें से ही कर लेता हूँ। 1/4 कॉमन लिया, ठीक है, तो ये वाला बचेगा 2x² होगा, ये हो जाएगा -1 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये ऐसा लिखा है, 1/4 कॉमन लेंगे तो 2x² हो गया, साइन इनवर्स बाहर आ गया। उसके बाद एक्स अंडर रूट 1 - x² / 4 ठीक है प्लस सी। ठीक है बेटा, ओके सही है। ठीक है, अब इसको क्लोज करता हूँ, एमसीक्यू चेक करता हूँ। एमसीक्यू लोग एक डाउट में है, उसको पहले सॉल्व कर देता हूँ।